तो हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये देखा सेट थ्योरी की डिफिनेशन कि एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब सेट के बारे में कुछ और चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली बात तो ये है कि सेट, अब हम ये देखेंगे कि सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या चीजें हैं सेट के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये है कि सेट्स जो होते हैं, सेट्स जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन हम जान रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का, तो सेट्स जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कोई भी लेटर आप इसको यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि एक ऐसा सेट बनाइए जो वावल्स से बना है, इंग्लिश अल्फाबेट के वावल्स से बना है, उस सेट को बनाइए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये कैपिटल लेटर लिखेंगे कोई भी, ए बी सी डी जो भी आप लिखना चाहें, तो कैपिटल लेटर ए लिखा गया, उसके बाद ये इज इक्वल टू। उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, सेट को जब भी हम लिखेंगे कोई भी कैपिटल लेटर अल्फाबेट का, और उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट के वावल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो आपने ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाया, उसके बाद ये लिखा अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब एक और बात ध्यान देनी है आपको कि इनके इन लेटर्स के बीच में ऐसे आपको कामा लगाना है, सारे लेटर्स के बीच में कामा लगाना है, और काम इसलिए हम लगाते हैं ताकि ये जो हमारे लेटर्स हैं वो क्या हो सकें, डिफरेंट हो सकें। ठीक है, तो हमने ये इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट बनाया, इंग्लिश अल्फाबेट के वावल्स का एक सेट बनाया जो कि ए लिखा कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद ए ई आई ओ यू लिखा। ठीक है, अब आप दूसरा सिंबल बी भी यूज कर सकते हैं, इसी को अगर हम ऐसे लिखें बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बी लिखें फिर इज इक्वल टू, उसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद अब आप कहें कि हम इसमें पहले हम ई लिखना चाहें तो आप ई लिखें, फिर कामा ओ लिखें, फिर कामा ओ, फिर कामा ई पहले लिखें, फिर कामा आई, फिर कामा यू ओ, फिर कामा यू, फिर कामा ए। ठीक है, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। फिर या तो आप सी भी लिखना लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी सी लिखना चाहें, सी इज इक्वल टू, उसके बाद फिर ये लिखें ए यू आई ई ओ, इस तरीके से लिखा गया है। यहां पे आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि इसमें ये देखिए कि सेट में जब भी हम लिखते हैं तो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसमें देखिए पहले हमने ई को लिखा, यहां पहले ए को लिखा, यहां पहले ए को लिखा, यहां लास्ट में ओ है, यहां लास्ट में ए है, यहां लास्ट में यू है, तो सेट ऐसा मैटर नहीं करता है कि कौन से ऑर्डर में लिखना है आपको, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बस हमको क्या लगाना है, हमको इन लेटर्स के बीच में ऐसे कामा यूज करना है और ऐसे कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप किसी भी एलिमेंट को पहले लिखें, किसी भी एलिमेंट को बाद में लिखें। ठीक है, अच्छा एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आप ये लेटर्स लिख रहे हैं ए बी सी, वो आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये लिखा जा रहा है कि एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी आप लिखना चाहें। अब एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ये जो है ए ई आई ओ यू, यही सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं किसके, सेट के। जैसे हमने एक सेट बनाया वावल्स का सेट इंग्लिश अल्फाबेट के, तो ये एक सेट है वावल्स का इंग्लिश अल्फाबेट के, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ई इसका एलिमेंट है, आई इस सेट का एलिमेंट है, ओ इस सेट का एलिमेंट है, ये सारे जो हैं ये सारे इस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिखा, क्या कोई भी सेट हमने लिखा पी, ठीक है पी लिखा, उसके बाद ये क्या लिखा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में हमने ये लिख दिया कि एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड से को लेके एक सेट बनाया जिसको हमने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इस सेट पी के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। उसी तरीके से एक दूसरा सेट क्या है, आर है, हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया
और उसमें ये लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमने लिखा इसमें 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, वो इस आर के क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे हमने ये एक और सेट लिखा जेड, फिर इज इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट में 1/2 1/3 1/4, तो 1/2 1/3 1/4 इस सेट जेड के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। हमने इन एलिमेंट्स को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा है और उन सारे एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कामा यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे हमने कामा यूज कर लिया, सारे एलिमेंट को डिस्टिंक्ट करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, जैसे हमने ये लिखा 1/2 1/3 1/4, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे बीच में इनके कामा लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, जैसे ये सेट ए है, ठीक है, हमने ए बी सी डी को लेके एक सेट बनाया जिसको हमने क्या लिखा, ए लिखा। अब हमने ये बताया कि सेट में आर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी एलिमेंट को पहले लिखें या किसी भी एलिमेंट को बाद में लिखें। जैसे अगर आप कहें कि इस सेट को ये भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम इस सेट को ये भी लिखें, डी पहले लिखें फिर सी लिखें फिर बी लिखें फिर ए लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट में एलिमेंट्स का आर्डर मैटर नहीं करता है। अब आप यह जान चुके हैं कि ए बी सी डी इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं, उसी तरीके से डी सी बी ए इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी सेट को अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप सी लिखें फिर डी लिखें फिर ए लिखें फिर बी लिखें, तो ये सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेट में एलिमेंट्स का आर्डर मैटर नहीं करता है, आप किसी भी एलिमेंट को पहले लिखें किसी भी एलिमेंट को बाद में लिखें, बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि एलिमेंट्स के बीच में ऐसे कामा यूज करना है, और जहां से एलिमेंट्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं वहां से आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, जहां पे एलिमेंट खत्म हो रहे हैं वहां पे आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। कुछ और चीजें इसमें देखें, अब जैसे हमने ये सेट लिखा ए, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी है, इसके चार एलिमेंट है, ठीक है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे कैसे लिखते हैं। इसमें देखिए इस सेट में ए में कितने एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए है बी है सी है और डी है। तो देखिए अब इसको लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकली आप कैसे लिखते हैं, जैसे यहां पे ये बताया जा रहा है कि ये कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो वही अब आप इसको न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसी बात है इस सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो देन ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखिए ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसी तरीके से बी भी सेट ए का एलिमेंट है, सी भी सेट ए का एलिमेंट है और डी भी सेट ए का एलिमेंट है। अब हम ए के लिए कुछ चीजें का ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा देखें इस पे, अगर ये सेट ए है इसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी है, तो ए जो है वो अब इस सेट का एलिमेंट है। अब इसी बात को एक और भी हम तरीके से लिखते हैं, जैसे हमने ये लिखा कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसकी बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, क्या, ए बिलोंग्स टू ए, क्या लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है वो इस सेट ए को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ए जो है वो सेट ए का मेंबर है। तो देखिए ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ए बिलोंग्स टू ए, या आप लिखिए कि ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ये सारी चीजें एक ही है। अब इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, जैसे अगर ए सेट ए का एलिमेंट है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल है, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। अगर ये लिखा हुआ है बी और फिर ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे B belongs to A, कैसे पढ़ेंगे, B belongs to A, या B is an element of set A, या B is a member of set A, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि सेट A में चार एलिमेंट है केवल, 1 A B C D, ये चार एलिमेंट है सेट A के। अब अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट सेट A में नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि E जो है वो सेट A का एलिमेंट नहीं है, लिखा गया है कि हेयर E इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, E जो है वो A का एलिमेंट नहीं है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E does not belong to set, E does not belongs to A, E जो है वो A का, E जो है वो A में बिलोंग नहीं कर रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे E is not a member of A।
अब इसको देखिए मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ई डज नॉट बिलोंग टू ए को, ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ऐसे अगर ई डज नॉट है तो इसमें ऐसे कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक और देखें, एफ जो है, एफ जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एफ जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एफ को ऐसे कर देंगे, बिलोंग्स टू के लिए ऐसे करते हैं और डज नॉट बिलोंग्स के लिए ऐसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जैसे जी नहीं कर रहा है तो जी बिलोंग्स टू ए नहीं कर रहा है, तो जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। डी कर रहा है तो डी को कैसे लिखेंगे, डी बिलोंग्स टू ए है ना, यहां देखें डी बिलोंग्स टू ए है, तो कैसे लिखेंगे, डी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं इसको, डी बिलोंग्स टू ए, या डी इज अ मेंबर ऑफ ए, या डी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब हम पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो अब कंटिन्यूसली हम चीजें को आगे पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।